ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ସାର୍, ପୁରେ ଭାରତ ମେ ବହୁତ ସାରେ ଜାଗା ପେ ଏସେ ହେ ଯାହା ପେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡାଉନ ହୁଆ ହେ ଆଇଏମଡି କି ଜେସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଥା। ଅଭି ଫିଲହାଲ ହିଟ ୱେଭ କୁ ଲେକର କ୍ୟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେ ସାର୍? ଦେଖିଏ, ଅଭି କ୍ୟା ହେ କି ପୁରେ ଭାରତ ମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଗ ଫ୍ରମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ या ईस्ट इंडिया, उड़ीसा वगैरह लगा के साउथ पेनिनसुला आल्सो, हर एक जगह थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, जिसके कारण क्या है कि जो टेम्परेचर में काफी गिरावट आ चुकी है। जो मीन टेम्परेचर से भी ऑलमोस्ट काफी हिस्सों में 8 से 10 डिग्री तक भी बिलो नॉर्मल है। और ये सिनेरियो भी मीन 1-2 दिन ऐसा ही रहने वाला है, उसके बाद फिर इसमें राइजिंग टेंडेंसी आने की उम्मीद है। लेकिन जैसे आपका हीट वेव का क्वेश्चन है, हीट वे आने वाले एक वीक में कहीं भी कोई चांसेस नहीं है। तो फिर 10-12 तारीख के बाद हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। देखिए, टेम्परेचर में जैसे आज 2 तारीख है, इसके बाद ही जैसे ही अभी थोड़ा बहुत आजकल जो ईस्ट इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं, उड़ीसा GWV या झारखंड इस एरिया में, तो इसमें 1-2 दिन लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर का उम्मीद है। और इसके बाद टेम्परेचर में ग्रेजुअल राइजिंग टेंडेंसी देखा जाएगा, मीन वो भी 2 से 3 डिग्री तक। तो इसलिए टेम्परेचर जहाँ पे ईस्ट इंडिया में नियर नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहने की उम्मीद है। सर, आईएमडी की प्रेडिक्शन अभी ये भी बता रही है कि 6 तारीख के बाद एक सिस्टम फॉर्मेशन होने वाला है। सर, ये डिप्रेशन होके साइक्लोन में परिवर्तित होगा, ये कुछ स्पेकुलेशन बहुत सारे आ रहे हैं, र्यूमर भी बहुत सारे हो रहे हैं। सर, देखिये, एज पर आईएमडी प्रेडिक्शन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी तक जो हमारा अनुमान है कि 6 तारीख को, जैसे आप बोल रहे हैं, साउथ ईस्ट बियो बंगाल में साइक्लोजेनेसिस मीन सर्कुलेशन पैटर्न कोई डेवलप हो सकता है, उसके आने वाले 48 आवर्स में ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा। तो इसके बाद अभी काफी टाइम है, 1 वीक है ऑलमोस्ट, तो उसके बाद आपको बताएंगे जैसे हम इसके पास पहुंचेंगे। तो 6 तारीख के बाद ही हम बोल सकते हैं कि उसका एक्चुअल क्या डायरेक्शन होगा, क्या होगा। 6 तारीख के बाद ही बताएंगे कि आगे क्या इसका मूवमेंट होगा, इंटेंसिफिकेशन कैसे होगा। लेकिन 27 तारीख को भी सर बोल दिए थे आपका प्रेडिक्शन, कि जैसे लास्ट ईयर मई में एक साइक्लोन आया था, उसी को लेकर आप अलर्ट हो रहे हैं। हाँ, एक्सटेंडेड में भी ये लिखा गया था लास्ट वीक के, कि यहाँ अराउंड अबाउट इस वीक में 6 के बाद पॉसिबिलिटी है। तो वही हमारा वही स्टैंड है कि 6 के तक साइक्लोजेनेसिस बनेगा और उसके बाद सबसिक्वेंट 48 आवर्स में लो प्रेशर जोन बन जाएगा। होता है सर, तो सर उसका इलाका कहाँ होगा, आंध्रा या पूरा पूरा नहीं, अभी ये सारा कुछ जो हमारा अनुमान है साउथ ईस्ट बे बंगाल में रहेगा, और जो लो प्रेशर बनेगा वो भी ऑलमोस्ट वही साउथ ईस्ट बे बंगाल के आसपास ही रहेगा। कोस्टल बेल्ट के ऊपर असर आ सकता है, अभी आगे बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं है, 6 से 8 तक तो कुछ नहीं है, उसके बाद जैसे आगे इसका मूवमेंट कैसा होगा, इंटेंसिव कैसा होगा, फिर आपको हम ब्रीफ करेंगे विद टाइम टू टाइम। थैंक यू। अपन शुणुले साइंटिस्ट नरेश आम सहित जोड़ी होते जी अधिक सूचना दूसरे 6 तारीख पर पूरा चित्र स्पष्ट हो जहाँ बर्तमान सूचना रही हूँ। तो 6 तारीख बेलू सिस्टम फर्मेसन हो लघुचापे परिणत हो पारे, तेज लघुचापे परिणत होगापर कौ कौ निर्दिष्ट राज्य में अंचल अधिक वर्षा हे बर्तमान चित्र स्पष्ट होनी, और यार प्रभाव पड़े कि नहीं ताप स्पष्ट होना। आईएमडी परिसर कैमेरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज।